अच्छा, यूलर थ्योरम के लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर सेकंड को कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि इफ यू इज बी द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, देन सो दैट एक्स डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एन माइनस वन डेल यू बाई डेल एक्स। इसको करते हैं, देखिए सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखेंगे। वी हैव क्या है हमारे पास में, ये जो u है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ये आपको ये गिवन है, ठीक है। तो अगर ये गिवन है, होमोजीनियस फंक्शन अगर ये गिवन है ऑफ डिग्री n, तो इसका मतलब ये है कि ये यूलर थ्योरम को वेरीफाई करेगा। तो यूलर थ्योरम क्या हो जाएगी इसके लिए, x डेल यू वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब इधर देखिए, यहां पे हमको चाहिए डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूं, मैं इक्वेशन वन को पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देता हूं x के रेस्पेक्ट में। तो मैं लिखूंगा नाउ डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये, एक ये, तो यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगेगा। तो एक बार मैं x को छोड़ दूंगा, डेल u बाई डेल x का करूंगा, तो ये हो जाएगा डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। इस बार मैं डेल यू बाई डेल एक्स को छोड़ दूंगा, x का डिफ्रेंशिएशन करूंगा, तो आएगा वन प्लस y आपका कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, डेल यू बाई डेल वाई का करेंगे तो हो जाएगा डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो हो जाएगा n, और u का करेंगे बच्चों तो हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये आपका कितना है x डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका y डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, ये है आपका n डेल यू बाई डेल एक्स। इसको मैं इधर लेके आ जाता तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स, यहां से हो जाएगा x डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, इसको कॉमन ले लीजिए डेल यू बाई डेल एक्स को, तो ये हो जाएगा आपका डेल यू बाई डेल एक्स को कॉमन लिया, इधर बचेगा आपका n, इधर बचेगा माइनस के, ठीक है। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि x और डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल टू यू बाई डेल एक्स और डेल वाई इज इक्वल टू एन माइनस वन को मैं लिख लेता हूं पहले, और इधर कर देता हूं डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है। और बच्चों यही मुझको प्रूव करना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं लिखूंगा हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। आई होप ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, क्वेश्चन नंबर फोर को देख लेते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ यू इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, देन सो दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन क्या कह रहा है, तो हम लोग लिखेंगे वी है, क्या है हमारे पास में, यू इज इक्वल टू टेन इनवर्स y by x, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं y की जगह yt रखूं और x की जगह xt रखूं तो मुझे रिजल्ट यही मिल जाएगा। देखिए इसको सपोज करिए, मैं कुछ ऐसे कह देता हूं कि जो u है
ये है मेरे पास में एक्स वाई, ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा टेन इनवर्स वाई वाई एक्स। तो अब मैं क्या करता हूं, एक्स की जगह एक्स टी रख देता हूं और वाई की जगह मैं रख देता हूं वाई टी। तो जैसे ही मैं एक्स की जगह एक्स टी रखूंगा, वाई की जगह वाई टी रखूंगा, तो ये हो जाएगा यू एक्स की जगह एक्स टी और वाई की जगह वाई टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई टी डिवाइडेड बाई एक्स टी। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा टी टी, कुल मिलाकर के क्या आएगा, यू एक्स टी वाई टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। देखिए टेन इनवर्स वाई बाई एक्स जो है वो आपका किसके बराबर है, यू एक्स वाई के बराबर, ठीक है, तो यू एक्स वाई के बराबर है। तो इसको मैं इतना भी तो लिख सकता हूं कि टी टू दी पावर जीरो और यू ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यू फंक्शन है ये होमोजीनियस है, लेकिन डिग्री कितनी है, जीरो, मतलब एन, मतलब यू जो है ये एक होमोजीनियस फंक्शन तो है, होमोजीनियस है ये, होमोजीनियस फंक्शन है, लेकिन लेकिन एन क्या है, एन आपका जीरो है। तो अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो ये यूलर थ्योरम को वेरीफाई करेगा। तो मैं अब लिखूंगा, लिखिए सिंस सिंस यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, सो बाई यूलर थ्योरम, बाय यूलर्स थ्योरम। तो यूलर थ्योरम क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी x डेल u बाय डेल x प्लस y और डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू n u हो जाएगा, लेकिन n की तो वैल्यू जीरो है, तो यहां पे मैं लिखूंगा जीरो इंटू जीरो इंटू यू, तो ये हो जाएगी बच्चों u जीरो के बराबर। तो फाइनली मैं लिखूंगा x डेल u बाय डेल x प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसीलिए ये इतना आ जाएगा और हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर फोर भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और देन सो दैट x del u by del x plus y del u by del y is equal to 10 u, देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में भी हम लोग लिखेंगे सबसे पहले we have क्या है हमारे पास में, एक फंक्शन है u is equal to, या इसको ऐसे कर लीजिए u of x y, इसको मैं पूरा समझाऊंगा कि होमोजीनियस है या फिर नहीं है। तो हो जाएगा साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस y, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, x की जगह रखूंगा xt और y की जगह रखूंगा मैं yt, ठीक है। तो x की जगह xt रखूंगा, y की जगह yt, तो मेरा फंक्शन हो जाएगा xt और yt, इधर हो जाएगा साइन इनवर्स, इधर आ जाएगा x स्क्वायर t स्क्वायर, इधर आ जाएगा y स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाई xt प्लस y। ऊपर से t स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा साइन इनवर्स और t स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा t कॉमन, नीचे आएगा x प्लस y, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इस टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन इनवर्स, ऊपर बचेगा टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा और डिवाइड में बचेगा बेटा एक्स प्लस वाई, कहने का मतलब इतना बच जाएगा आपके पास। अब ये आपका यू ऑफ एक्स वाई के बराबर नहीं है, तो अगर ये u x y के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है हमारे पास में
u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये आपका होमोजीनियस नहीं है। तो अगर ये होमोजीनियस नहीं है तो हम इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखिए, तो u इज इक्वल टू क्या था, ये था आपका साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, इतना था। साइन इनवर्स को मैं इधर लेके आऊंगा तो हो जाएगा साइन u इज इक्वल टू क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक है। और इस फंक्शन को मैं मान लेता हूं f के बराबर। अब देखिए ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई वाई, इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर वन। अब ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, कितने डिग्री का, वन डिग्री का। कैसे है देखिए, एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अगर मैं एक्स की जगह एक्स टी को रख देता हूं और वाई की जगह वाई टी को रख देता हूं तो मेरे पास में क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स टी और वाई टी इज इक्वल टू क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टी प्लस वाई टी इज इक्वल टू, टी स्क्वायर को ले लीजिए कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी को कॉमन ले लीजिए एक्स प्लस वाई, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में, आपके पास में बच जाएगा एफ एक्स टी वाई टी इज इक्वल टू टी बचेगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई बचेगा, इतना बच जाएगा हमारे पास में, ये इतना पार्ट। अब ये जो इतना पार्ट बचा हुआ है पूरा, ये किसके बराबर है, ये है आपका टी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब मेरे पास जो फंक्शन एफ है ना, एफ होमोजीनियस है, सिंस एफ इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री वन। तो अगर ये वन डिग्री का होमोजीनियस है तो ये क्या हो जाएगा, अगर एफ वन डिग्री का होमोजीनियस है तो ये हो जाएगा आपका एक्स डेल एफ वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ वाई डेल वाई इज इक्वल टू वन इंटू एफ, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एफ हमने किसको माना था, एफ आपका साइन यू के भी बराबर था, एफ आपका क्या है, साइन यू के बराबर, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स डेल बाई डेल एक्स, एफ की जगह मैं रखूंगा साइन यू प्लस वाई डेल बाई डेल वाई, एफ की जगह रखूंगा साइन यू इज इक्वल टू, एफ की जगह आ जाएगा साइन यू, यहां पे साइन यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा कॉस यू, और यू का करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई, फिर साइन का करेंगे तो हो जाएगा बच्चों कॉस यू, और यू का करेंगे तो साइन डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन यू, कॉस यू यहां भी है यहां भी है, कॉस यू को मैं कर लेता हूं कॉमन, अंदर बचेगा आपके पास ब्रैकेट में एक्स और डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन यू, इस कॉस यू को मैं डिवाइड करूंगा साइन यू के साथ तो मुझे मिल जाएगा एक्स एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन यू बाई कॉस यू, तो हो जाएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन यू अपॉन कॉस यू, ये हो जाएगा आपका टेन यू, टेन यू,
इतना आ जाएगा, ठीक है। और यही बच्चों हम लोग को प्रूव करना था, तो मैं लिखूंगा हैंड्स प्रूव, हैंड्स प्रूव, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि यू इज इक्वल टू दिस, देन सो दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू टू, कितना। तो लिखिए सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है हमारे पास में, वी है क्या है, u इज इक्वल टू और log ऑफ x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई x प्लस y, कितना मेरे पास में, ठीक है। दोनों तरफ एंटी लॉग लूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों e टू द पावर u इज इक्वल टू x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3 अपॉन में x प्लस y, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मैं मान लेता हूं एक फंक्शन f के बराबर, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो ध्यान से, f जो है ये एक होमोजेनियस है, देखिए सिंस f इज होमोजेनियस, होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ f इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू। अच्छा डिग्री टू कैसे पता चलेगा, आप क्या करिए कि x की जगह xt रखिए और y की जगह yt रखिए, yt रखिए, तो ये मिल जाएगा आपको x टू द पावर 3 t टू द पावर 3 y टू द पावर 3 t टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई xt प्लस yt। ऊपर से तो t क्यूब वापस ले लो, x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई t कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस y ये कैंसिल कर दीजिए, तो ये बचेगा आपका t स्क्वायर x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई x प्लस y, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये है आपका एफ एक्स वाई के बराबर, एफ एक्स वाई के बराबर, तो t की पावर आ गया आपका 2। तो इसलिए ये 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, और अगर f आपका होमोजीनियस फंक्शन है तो ये वेरीफाई करेगा यूलर थ्योरम को। तो मैं यहां पे लिखूंगा नाउ बाय यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम क्या बनेगा आपका, x डेल f बाय डेल x प्लस y डेल f बाय डेल y इज इक्वल टू n f, और n कितना है, n है आपका 2 के बराबर। तो मैं यहां पे लिखूंगा x डेल y डेल x ऑफ f की जगह कितना है, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1, f की जगह है आपका e टू द पावर u, तो मैं लिखूंगा e टू द पावर u प्लस y डेल e टू द पावर u इज इक्वल टू, n की जगह था आपका बच्चों 2 और f की जगह मैं e टू द पावर u रखूंगा। अब मैं यहां से इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूं, डिफरेंशिएशन करूंगा e टू द पावर u का, तो ये हो जाएगा e टू द पावर u ही रहेगा, और फिर u का भी करूंगा तो ये हो जाएगा डेल u बाई डेल x प्लस, फिर है आपका y e टू द पावर u का, फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा y के रेस्पेक्ट में तो e टू द पावर u ही रहेगा, और फिर u का करूंगा y के रेस्पेक्ट में तो डेल u बाई डेल y आ जाएगा इज इक्वल टू टू e टू द पावर u, e टू द पावर u यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर u x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू टू e टू द पावर u, e टू द पावर u e टू द पावर u से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू टू, ठीक है। और यही बच्चों मुझे प्रूव भी करना था, ये देखिए ये इतना ही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैंस, हैंस प्रूव। सेम क्वेश्चन बच्चों ये है, तो इसको आप लोग अपने आप करिए डू योर सेल्फ, ठीक है। फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे एक बार व्हाट्सअप कर दीजिएगा ताकि मैं इसका सोल्यूशन भेज सकूं। ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। दो पार्ट हैं, एक तो ये कि ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, दूसरा हमको यूलर थ्योरम वेरीफाई करनी है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा भी है, कर लेते हैं इसको, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन वी हैव यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ये ठीक है। इसको देख लेते हैं, तो पहले तो देखते हैं कि ये क्या मतलब, ये आपका यूलर थ्योरम को वेरीफाई, सॉरी ये होमोजीनियस है कि नहीं है, तो देख लेते हैं इसको भी। यू है आपका एक्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट वाई डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक टर्म के ऊपर सेम पावर है, सेम डिग्री है। तो मैं अगर यहाँ पे x की जगह एक्स टी रख दूं और y की जगह मैं अगर वाई टी रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा एक्स टी और y की जगह वाई टी, तो इधर पे मैं रखूंगा साइन इनवर्स, या इसको ऐसे ना करके, इसको ऐसे ना करके हम एक काम करते हैं, हालांकि ऐसे भी हो जाएगा जैसे मैं बताना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यू इज इक्वल टू दिस, तो इसको ले आता हूँ इधर, तो ये हो जाएगा साइन यू इज इक्वल टू और रूट एक्स माइनस रूट वाई डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई, और इसको मान लेता हूँ किसी फंक्शन एफ के बराबर। ठीक है, अब अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो एफ है ये जीरो डिग्री का आपका होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, अगर f आपका होमोजीनियस फंक्शन है तो ये हो जाएगा x डेल f बाई डेल x प्लस y डेल f बाई डेल y इज इक्वल टू n f, n आपका जीरो है। तो देखिए n जीरो कैसे है, f x y इज इक्वल टू है आपका रूट x माइनस रूट y डिवाइड बाई रूट x प्लस रूट वाई। आप क्या करिए, x की जगह एक्स टी रख दीजिए और y की जगह वाई टी रख दीजिए, तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स टी माइनस वाई टी डिवाइड बाई रूट एक्स टी माइन प्लस प्लस रूट वाई टी। तो रूट टी ऊपर से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा रूट एक्स माइनस रूट वाई, नीचे से भी रूट टी कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा रूट एक्स प्लस रूट टी रूट वाई, तो रूट टी से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एफ एक्स टी वाई टी इज इक्वल टू टी टू दी पावर जीरो कर लीजिए क्योंकि वन बचेगा, और इधर बचेगा आपका एफ एक्स वाई। ठीक है, तो इसीलिए एन इज इक्वल टू जीरो मतलब जीरो डिग्री का ही होमोजीनियस फंक्शन है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स डेल बाई डेल एक्स, एफ की जगह मैं क्या लिखूंगा साइन यू, तो मैं लिखूंगा साइन यू। ठीक है, और यू का भी डिफ्रेंशिएशन करूंगा, सो हाँ प्लस इधर आ जाएगा वाई डेल वाई डेल वाई साइन यू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एन की जगह क्या आएगा जीरो इंटू एफ की जगह आ जाएगा साइन यू। तो यहां से आगे आएगा आपका, देखिए एक्स आ जाएगा, साइन यू का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस यू, और यू का करूंगा डेल यू बाई डेल एक्स आ जाएगा प्लस, ऐसे यहाँ पे वाई साइन का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो कॉस यू, और यू का करूंगा वाई के रेस्पेक्ट में तो डेल यू बाई डेल वाई इधर जीरो आ जाएगा। कॉस यू को मैं कॉमन ले लूंगा, इधर बचेगा मेरे पास में एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, इसको इधर जीरो के बराबर लेकर के आऊंगा, मतलब कि डिवाइड करूंगा तो जीरो आ जाएगा। तो दो चीजें हैं, एक तो है आपका कोस यू आपका जीरो के बराबर हो, या तो ये हो जाए, या
एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई ये जीरो के बराबर हो। और मुझे देखिए प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना था ये कि डेल यू बाई डेल एक्स मुझे निकालना था। तो यहां से ये आ जाएगा बच्चों एक्स डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, इस पार्ट को मैं इक्वल के इधर लेके आऊंगा तो हो जाएगा माइनस वाई डेल यू बाई डेल वाई। तो ये आ जाएगा आपका डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स डेल यू बाई डेल वाई, ये इतना पार्ट आ जाएगा। यही मुझे प्रूफ भी करना था तो मैं लिखूंगा हैंस प्रूफ। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि वेरीफाई यूलर थ्योरम व्हेन एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस दिस, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। आपको करना क्या है कि अगर एफ आपका एक फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है तो यूलर थ्योरम क्या बनेगी, यूलर थ्योरम बनेगी आपकी एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई और जेड भी है तो हो जाएगा जेड डेल एफ बाई डेल जेड। कहने का मतलब यह है कि पहले तो आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर अच्छा ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन एफ के बराबर, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर वन रहेगी। तो बारी बारी से एक बार तो आप निकालिए डेल एफ बाई डेल एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वाई और जेड तो कॉन्स्टेंट रहेगा तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर का करेंगे तो जाएगा सिक्स एक्स वाई जेड प्लस, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा फाइव एक्स का वन हो जाएगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड प्लस, ये आपका जीरो हो ही जाएगा तो इतने को आप छोड़ ही दीजिए, इतना आ गया। फिर आपको एक्स भी चाहिए तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस फाइव एक्स वाई स्क्वायर जेड, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। फिर आप निकालिए डेल एफ बाई डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर जेड कॉन्स्टेंट रहेगा, वाई का करेंगे तो वन आ जाएगा प्लस फाइव एक्स जेड कॉन्स्टेंट रहेगा, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू वाई प्लस, ये आपका जीरो रहेगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर जेड प्लस के टेन एक्स वाई और जेड, वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि वाई भी चाहिए मल्टीप्लाई में, डी एफ बाई डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस टेन एक्स वाई स्क्वायर जेड, इक्वेशन नंबर थर्ड। ऐसा ही बच्चों आपके पास में है डेल एफ बाई डेल जेड निकाल लीजिए, मतलब जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंसिएशन, तो क्या मिलेगा आपको ये थ्री एक्स स्क्वायर वाई तो कॉन्स्टेंट रहेगा, जेड का डिफ्रेंसिएशन वन आएगा तो जाएगा फाइव एक्स वाई स्क्वायर जेड का वन रहेगा, इधर हो जाएगा फोर फोर जा सिक्सटीन जेड टू द पावर थ्री आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर मुझे इसमें जेड भी मल्टीप्लाई करना है तो डेल एफ वाई डेल जेड इज इक्वल टू आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस फाइव एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस सिक्सटीन जेड टू द पावर फोर, ये हो गया इक्वेशन नंबर फोर। तो मैं क्या करता हूं सेकंड थर्ड और फोर्थ को ऐड कर देता हूं, सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ इसको ऐड कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई और डेल एफ बाई डेल वाई प्लस जेड डेल एफ बाई डेल जेड इज इक्वल टू, तो देखिए एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स क्या मिलेगा, ये है आपका सिक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड सिक्स एक्स वाई स्क्वायर जेड सॉरी एक्स स्क्वायर वाई जेड है एक्स स्क्वायर वाई जेड फिर है आपका प्लस फाइव एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस के फाइव एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस,
y डेल एफ बाई डेल वाई, y डेल एफ बाई डेल वाई, ये है आपका 3x स्क्वायर वाई जेड, 3x स्क्वायर वाई जेड, 10x y स्क्वायर जेड प्लस के 10x y स्क्वायर जेड प्लस, इसको भी देख लेते हैं ये कितना है, ये है 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस के 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस के, प्लस के हैं 5x y स्क्वायर जेड, 5x तो y स्क्वायर जेड, और प्लस में लास्ट में बचा है आपका 16z टू द पावर 4, 16z टू द पावर 4 आ गया, यस 4। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं, जैसे 6x स्क्वायर वाई जेड, 3x स्क्वायर वाई जेड, 3x स्क्वायर वाई जेड, तो ये होगा 3 3 6 4, ये हो जाएगा आपका 12x स्क्वायर वाई जेड। अब इसको भी जोड़ लेते हैं, 5x स्क्वायर वाई जेड, 10x वाई स्क्वायर जेड, तो 15 हो गया, 15 और 5 कितना हो गया 20, तो हो गया 20x वाई स्क्वायर जेड, फिर हो गया प्लस के 16z टू द पावर 4, यहां से 4 को ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस के 5x वाई स्क्वायर जेड प्लस के 4z टू द पावर 4। अब इतना जो पार्ट है वो आपका देखिए f के बराबर है, ये जो दिया हुआ है ये 3x स्क्वायर वाई जेड, ये इतना किसके बराबर है, f के बराबर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4f, ठीक है, ये हो जाएगा x डेल f बाई डेल x प्लस y डेल f बाई डेल y प्लस z डेल f बाई डेल z, 4f के बराबर ये आ गया, ठीक है, तो मैं फिर लिखूंगा हैंस वेरीफाई, वेरीफाई, ये वेरीफाइड करना था हम लोग को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको भी कर देते हैं, ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। यहां पे हमारे पास में क्या है, वी है, क्या है हमारे पास में, यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द होल पावर 1/5। मैं क्या करता हूं, इसको साइन को इधर ले आता हूं, तो हो जाएगा साइन यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी होल पावर 1/5, और इसको मान लेता हूं मैं f के बराबर। अब आप ये देखिए दोनों टर्म्स की पावर 2 है और होल पावर 1/5, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स वाई मेरे पास में कुछ ऐसा है, एफ एक्स वाई मेरे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी होल पावर 1/5, एक्स की जगह एक्स टी रख दीजिए, y की जगह y t रख दीजिए, x स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा, यहां हो जाएगा y स्क्वायर t स्क्वायर, कितना हो जाएगा टू दी होल पावर, कितना हो जाएगा 1/5, t टू दी पावर 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं बाहर, कितना आ गया, अंदर कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू दी होल पावर 1/5। अब अगर मैं टी स्क्वायर को बाहर निकालूंगा तो पावर के साथ आएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर टू दी होल पावर 1/5, और अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी होल पावर 1/5, टी टू दी पावर बनेगा आपका 2/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी होल पावर 1/5, ये बनेगा हमारे पास में एफ एक्स टी और वाई टी, तो ये किसके बराबर है, ये है बच्चों आपके पास में t टू दी पावर 2/5, और ये है आपका एफ एक्स वाई के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन f है ना हमारे पास में, ये 2/5 ऑर्डर का, 2/5 ऑर्डर का ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है 2/5 का, तो अगर f आपका 2/5 डिग्री का अगर होमोजीनियस फंक्शन है, तो मेरे पास में जो
यूलर थ्योरम बनेगी वो बन जाएगी x डेल f बाई डेल y प्लस y और डेल f बाई डेल y इज इक्वल टू 2 बाई 5 f, और f किसके बराबर है, f है आपका साइन u के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x, सॉरी यहाँ पे डेल x आएगा बच्चों, डेल y डेल x ऑफ साइन u प्लस y डेल y डेल y ऑफ साइन u इज इक्वल टू 2 बाई 5 साइन u, इतना मेरे पास में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूं पहले, ठीक है। तो ये आ जाएगा x साइन u का डिफ्रेंशिएशन cos u, u का करेंगे तो डेल u बाई डेल x, ऐसे ही y cos u डेल u बाई डेल y आ जाएगा इज इक्वल टू, और इधर आ जाएगा 2 बाई 5 साइन u, साइन u इतना आ जाएगा। फिर यहां से cos u मैं ले लेता हूं कॉमन, तो हो जाएगा cos u, अंदर बचेगा x डेल u बाई डेल x प्लस y और डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 2 अपॉन में 5 साइन u, ये हो जाएगा x और डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 2 बाई 5 साइन u डिवाइड बाई cos u, तो हो जाएगा x और डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 2 बाई 5 tan u, ठीक है, इतना पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो आपको प्रूव करना है उसमें सेकंड ऑर्डर भी है, ये सेकंड ऑर्डर भी, तो मैं क्या करता हूं इसको सेकंड ऑर्डर भी इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं, एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर लेता हूं इसको x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कितना कर ले, एक बार x के रेस्पेक्ट में कर लेता हूं इसको इक्वेशन नंबर 1 को, और एक बार y के रेस्पेक्ट में कर लेता हूं, ठीक है, कर ले, एक बार x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये हो जाएगा x और डेल 2u बाई डेल x स्क्वायर आ जाएगा, इस बार डेल u बाई डेल x को छोड़ दूंगा, x का x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 1 आएगा प्लस, ऐसे ये y और डेल 2u बाई डेल x डेल y आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 बाई 5 और tan u का हो जाएगा sec स्क्वायर u और u का हो जाएगा डेल u बाई डेल एक्स, इतना आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर इस डेल यू बाई डेल एक्स को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बचेगा, एक्स डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 2 बाई 5 सेक स्क्वायर यू और डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, क्योंकि इस पार्ट को मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगा, यहाँ पे ले आऊंगा तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा एक्स और डेल टू यू बाई और डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई और डेल टू यू बाई और डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 2 बाई 5 डेल यू बाई डेल एक्स को अगर मैं बाहर कर लू कॉमन ले लू तो अंदर बचेगा मेरे पास में, सॉरी 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 ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, इसको हाँ ये बचेगा आपका और डेल u बाई डेल x को अगर मैं बाहर कॉमन ले लू तो अंदर बचेगा 2 बाई 5 sec स्क्वायर u माइनस के। अब मैं दोनों तरफ इसमें x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई by x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास में x स्क्वायर और डेल 2 u बाई डेल x स्क्वायर प्लस के एक्स वाई
डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, अंदर बचेगा आपका 2 बाई 5 sec स्क्वायर u माइनस के वन। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इतना मेरे पास में ये आ गया, ठीक है, इतना मेरे पास में बच्चों ये आ गया मेरे पास में। क्लियर? ओके, अब मैं क्या करता हूं, हमारे पास में बेसिकली था क्या, अब मेरे पास में ये था इतना, ये नहीं, ये नहीं था, मेरे पास में जो इक्वेशन आई थी वो ये आई थी, यस। अब इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं y के रेस्पेक्ट में। एक बार x के रेस्पेक्ट में कर चुका तो मैं लिखूंगा नाउ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रेस्पेक्ट टू y। तो y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो देखिए x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट रेट करूंगा तो ये हो जाएगा x बाहर, और इसको करूंगा डेल टू यू बाई डेल वाई और डेल एक्स, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे दो फंक्शन है ये और ये, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो एक बार y को छोड़ दूंगा और डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर करूंगा, इस बार डेल यू बाई डेल वाई को छोड़ दूंगा, y का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो वन आएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2/5, इधर तो आएगा sec स्क्वायर u और u का करूंगा तो डेल u बाई डेल y आ जाएगा, वही सेम आएगा। अब इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो ये हो जाएगा x डेल टू u बाई डेल y और डेल x प्लस y डेल टू u बाई डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5 sec स्क्वायर u डेल u बाई डेल y माइनस डेल u बाई डेल y, इतना आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां से मैं डेल u बाई डेल y को ले लूंगा कॉमन, मेरे पास में बच जाएगा x डेल 2 u बाई डेल y और डेल x प्लस y डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई कॉमन लूंगा, इधर बचेगा 2/5 sec स्क्वायर u माइनस के वन, इतना पार्ट मेरा बच जाएगा। अब जो पिछली इक्वेशन थी उसमें मैंने मल्टीप्लाई किया था x के साथ दोनों साइड में, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं y का दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा बच्चों y डेल यू बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल वाई और इधर बचेगा 2/5 sec स्क्वायर u माइनस के बाद, इतना बच जाएगा, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड हमारी, ठीक है। दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर लेता हूं, दोनों इक्वेशन को ऐड करके देखे क्या मिलता है मुझे, ठीक है। इक्वेशन सेकंड जो है वो मेरे पास में आई थी x स्क्वायर और डेल टू u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई और इज इक्वल टू एक्स डेल यू बाई डेल एक्स
इधर बचेगा 2 अपॉन में 5 sec स्क्वायर u माइनस के 1। एक तो ये आई थी, दूसरी क्या थी, दूसरी थी y स्क्वायर डेल 2u बाय डेल y स्क्वायर प्लस xy डेल 2u बाय डेल y डेल x इज इक्वल टू y डेल u बाय डेल y 2 अपॉन में 5 sec स्क्वायर u माइनस 1। ये थी, दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और डेल 2u बाय डेल y डेल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डेल 2u बाय डेल y स्क्वायर प्लस। देखिए इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो xy डेल 2u बाय डेल x डेल y और इधर है डेल 2u बाय डेल y डेल x, तो दोनों की वैल्यू एक ही होती है, डेल 2u बाय डेल x डेल y लिखिए या फिर डेल 2u डेल y डेल x लिखिए, एक ही बात है, ये बराबर होते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 2xy डेल 2u बाय डेल x डेल y इज इक्वल टू, यहां पर बच्चों 2/5 sec स्क्वायर u माइनस 1 ये कॉमन है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2/5 sec स्क्वायर u माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा आपका x डेल u बाय डेल x प्लस y और डेल u बाय डेल y, इतना बचेगा मेरे पास में, ठीक है। अब यहां से देखिए ये जो पार्ट है ये पार्ट किसके बराबर है, पीछे चलते हैं थोड़ा सा, देखिए ये पार्ट इक्वेशन नंबर 1 से ये है आपका 2/5 tan u के बराबर, तो मैं अब लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा मुझे, मुझे मिल जाएगा 2/5 sec स्क्वायर u माइनस 1 और इधर बच जाएगा बच्चों मेरे पास में इक्वेशन 1 से 2/5 tan u और 2/5 tan u। अच्छा यहां पे sec स्क्वायर u को मैं लिख सकता हूं 2/5 और tan स्क्वायर, ना इसको मैं sec स्क्वायर x को लिख सकता हूं, tan स्क्वायर x माइनस, नहीं sec स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर x tan स्क्वायर u माइनस 1 में लिख सकता हूं, नहीं नहीं 1 tan स्क्वायर u प्लस 1 लिख सकता हूं, ठीक है। और ये आ जाएगा इतना और माइनस 1 है ही, तो अंडर रूट इतना आ जाएगा और बाहर है आपका 2/5 और tan u, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों 2/5 और tan स्क्वायर u प्लस के 2/5 माइनस के 1, ठीक है। और इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में है 2/5 tan u। अब देखिए 2/5 माइनस 1 यहां पे कितना बचेगा, माइनस के 3/5, इधर के पास बचेगा माइनस के 3/5, तो इसको मैं लिखूंगा 2/5 tan स्क्वायर u माइनस 3 अपॉन में 5 और इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा क्या, और 2/5 tan u। अब 2/5 tan u का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2/5 tan u। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट को चेंज करते हैं, देखिए जो हमको प्रूव करना है उसके बराबर करना, इस 2 का यहां से देखिए ये आ जाएगा 5 कॉमन, 1 अपॉन में 5 कॉमन आ जाएगा, है ना। अंदर बचेगा 2 tan स्क्वायर u माइनस के 3, इधर बचेगा 2 अपॉन में 5 tan u। अब इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास में, ये आ जाएगा 2 बाई
देखिए 5 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 आ जाएगा, 10 u है ही तो ये हो जाएगा 10 u, और ब्रैकेट में क्या है 2 10 स्क्वायर u माइनस के 3 इतना है, और शायद यही मुझे प्रूफ भी करना था। यस इतना था 2 by 25 10 u, तो 2 by 25 10 u आ गया, और 2 10 स्क्वायर u माइनस 3 ये प्रूफ करना था, ये भी इतना भी आ गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मेरे पास में इसके बराबर सॉल्व करने के बाद मुझे इतना पार्ट मिल गया। ठीक है, तो यही बच्चों हमको प्रूफ करना था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैंस प्रूफ। ठीक है, आई होप बस यहीं तक करना था। तो यूलर थ्योरम में बच्चों केवल इतने ही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं मैक्सिमम मिनिमम को कवर करूंगा और चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कवर कर लेंगे, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की कंप्लीट यूनिट आपकी हो जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।